हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज नागपंचमी का दिन है, मैंने ये मीशो वाली साड़ी पहनी है, ये देखिए। और ये साड़ी वाकई में बहुत ही अच्छी है। मैंने इसका लिंक और इस साड़ी का लिंक और मीशो ऐप का भी लिंक मैंने अपने जिसमें मैंने इसका रिव्यू किया इस साड़ी का, वो मैंने डाल दिया है। वो मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको डाल दूंगी, आप चाहे तो वहाँ से ये साड़ी मंगा सकते हैं। ये देखिए, ये साड़ी बहुत ही प्यारी साड़ी है और मैं पहनी हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मैं साड़ी पहनी हूँ। बिल्कुल हल्की सॉफ्ट मटेरियल, ये देखिए इसके कपड़े का मटेरियल भी बहुत ही सॉफ्ट है। तो आज नागपंचमी का दिन है और मैं सॉरी, मैं कहना पूछना भूल गई आप लोग से, कैसे हैं आप। और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो अभी सब तैयारी चल रही है हमारे यहाँ नागपंचमी के दिन, शोर ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हम सब सिस्टर आए हुए हैं। और मैं जो बोल रही थी ना आप लोग को, जो पार्क गई थी उस वाले वीडियो में कि मैं आपको सरप्राइज़ दूंगी, तो मैं मायके आई हूँ अपने, यही सरप्राइज़ था। और बच्चे बहुत खुश हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ। तो यहाँ तैयारी चल रही है, हमारे यहाँ नागपंचमी में खाना बनता है, जो जैसा आप चाहें, जो भी मतलब जैसे कि छोला पूड़ी, आपका जो भी इच्छा हो पकवान, वो पकवान बनता है वो पकवान बनता है। और जैसे कि हमारे यहाँ तो इस समय छोला पूड़ी और गुलगुला और क्या कहते हैं कि जीरा राइस, यही बन रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं। और थोड़ा सा मेरा तबीयत भी ख़राब हो गया था तो मैंने अपने लिए रोटी बनवा ली है और दीदी लोग बना रही है, इसलिए मैंने रेसिपी शेयर नहीं की हूँ। अभी दिखाती हूँ दीदी लोग जो बना रही हैं वो रेसिपी। और बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, बच्चे भी हैं, शोर काफ़ी हो रहा है, प्लीज़ इसे इग्नोर करिएगा, बैकग्राउंड में शोर बहुत हो रहा है। बच्चे हैं तो शोर करेंगे ही करेंगे। ये देखिए, ये रीसु है, पानी लेने आया है, तो ये एक ग्लास बजा रहा है, देखिए। तो अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि क्या क्या बन रहा है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जब हम पहले यहाँ पे इकट्ठा होते हैं ना तो ये रसोई का जो चूल्हा है वो यहाँ आ जाता है। ये देखिए दीदी, दीदी क्या कर रही हो। तो खाना बना रहे हैं और अपने बच्चे को दवा दे रहे हैं। अभी वो दवा दे रही है और देखिए पूड़ी छना रहा है, उधर जो है छोले की तैयारी हो रही है। अरे, और ये मेरी 6 नंबर वाली सिस्टर है लक्ष्मी। ये सब बहुत शर्मा रही है ना, इसलिए ये सब उतना खुल के नहीं आ रही है। और छवि को देखिए, छवि भी तैयार हो गई है। और ये देखिए, ये डिम्पी है, लाडो है, कितने सारे बच्चे हैं, कितने सारे बच्चे। हाँ, और ये देखिए हमने सेम सेम साड़ी पहनी है, हमने एक साथ ही ऑर्डर किया था। तो ये देखिए दीदी जो है मसाला चला रही है, दिखा दो दीदी, ये देखिए। और यहाँ मैं आपको छोटे छोटे बच्चे, ये देखिए सुग्गू को, मेरे सुग्गू को देखिए, हटो। ये देखिए सुग्गू क्या कर रहे हो, ये देखिए सुग्गू खीरा खा रहा है। और ये जो है ना, ये जो बेबी है ना, ये ट्विंस है, एक गर्ल हुई थी एक बॉय हुआ था, तो ये बॉय यहाँ पर है, मैं गर्ल दिखा रही हूँ आपको। लाडू इधर आओ, ये देखिए इसके साथ आ जा, आओ आओ ट्विंस आओ, चलो 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 चलो, ये देखिए ये दोनों हैं, चलो 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 चलो, ये देखिए ये देखिए, पकड़ो पकड़ो, भाग रहा है, कैसे आएगा। देखिए सिस्टर, ये देखिए दोनों, ये देखो मासी, ये देखो मासी, ये दोनों ट्विंस हैं। माची हाय करो, हाय टाटा कर दो, तो टाटा कर, हाय टाटा कर दो, टाटा कर। ये पूरी खा रही है, देखिए खिला रही है, खा लीजिए फ्रेंड्स लाडो मेरी। आप बताइएगा कैसा है, टेस्टी है या कैसा है। ये देखिए सब घूम रहे इधर से उधर। और एक और है पर मैं उसे दिखाऊंगी नहीं क्योंकि वो आई नहीं है ना, गुन्नू, उसका नाम गुन्नू है, वो आई नहीं है। और बाकी बच्चे वहाँ पे क्लास कर रहे हैं, देखिए बाकी बच्चों का क्लास चल रहा है, वो सब क्लास कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारे यहाँ नागपंचमी कैसे मनाई जाती है। हमारे यहाँ गोबर से जो है नाग देवता बनाए जाते हैं और बखार वगैरह होता है वो सब। बंगाल में ऐसा नहीं होता है तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ का मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे यहाँ बनता है। हमारे यहाँ नागपंचमी में हम पोस्टर लगाते हैं, मतलब जो भी है वो 1 रुपये का 2 मिलता है, तो वही पोस्टर हम लोग लगा के वही दूध लावा चढ़ाते हैं। पर यहाँ का रूल दूसरा है, चप्पल सीधा कर,
चप्पल सीधा कर दूँ, उल्टा है चप्पल। तो मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो ये देखिए मासी बोल रही है, मासी। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। लगाते हैं तो मम्मी ने यहाँ पे लगा दिया है आप लोग का बहुत। और ये सब बनता है, ये सब लड़कों के लिए बनता है, जितने लड़के होते हैं तो उनके लिए बनता है। तो मतलब हमारे बच्चे दीदी के जो जितने लड़के हैं उनके हिसाब से मतलब ये बना है, जितने हैं उतना बना हुआ है और देवी देवता के लिए रहते हैं ये। और ये इसको बखार बोला जाता है, उनके लिए बनते हैं ये बखार बनती है। और इसका मतलब क्या है, मैंने और इसी गोबर से हम लोग आगे पीछे घर के बाहर में घर के जहाँ पे बनाना होता है वहाँ हम लोग बनाते हैं और बस इसी का पूजा करते हैं, दूध लावा चढ़ाते हैं, मंदिर जाते हैं। लगा दिया था और अभी जो पकवान है वो बन रहा है। आज पकवान में छोला बन रहा है, पूड़ी और खीर, गुलगुला पूड़ी और जीरा राइस, बस इतने ही आइटम बन रहे हैं, ज़्यादा नहीं बन रहे। काम बहुत ज़्यादा है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनको भी देखना है और बाकी सारे काम भी हैं। ज़्यादा लोग जब हम हो जाते हैं, हम सब सिस्टर जब इकट्ठा होते हैं तो काम बहुत ज़्यादा होता है। और रसोई में जो है किचन में गैस नहीं रहता, गैस यहाँ आ जाता है बाहर, यहीं पे खाना बनता है। जब हम चले जाते हैं तो फिर गैस जो है वो किचन में छोटी सिस्टर रख देती है, वहीं पर वो लोग बनाते हैं, पर हम लोग आते हैं तो बाहर ही बनता है खाना। और अभी छोले की तैयारी हो रही है, ये लहसुन प्याज अदरक हरी मिर्च ये फ्राई हो रहा है। पहले सरसों का तेल डाला था, फिर उसमें एक चम्मच जीरा था, फिर प्याज को लाल किया, गोल्डन ब्राउन किया वही, फिर इसमें मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डाल के थोड़ा देर भून लूँगी, फिर मसाले डाल के उसे भूनूँगी। और दीदी हंस रही थी, सब हंस रहा था क्योंकि मैंने कैमरा उनकी तरफ कर दिया था तो वो सब हंस रही थी। और इधर जो है ये प्याज जो है अच्छी तरीके से पक गया है, तो इसमें अब जो गरम मसाले थे वो ऐड हो जाएंगे और फिर बाद में बॉयल हुआ छोला ऐड हो जाएगा। बस यही आज का लंच था हमारा। फिर पूजा होने के बाद सभी ने लंच कर लिया था दोपहर में, और मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए मैं आगे का वीडियो शूट नहीं कर पाई। और मैं भी लंच कर लेती हूँ, रुपेश छवि को जो है चिढ़ा रहा था। तो आज का वीडियो यहीं तक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। बाय बाय।